नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। और आज का जो वीडियो है वो वृषभ राशि के लिए है। अप्रैल 2014 कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी 14 अप्रैल तक। सूर्य राशि से 11वें स्थान में चल रहे हैं जो बहुत शुभ है, तो हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य चलेंगे राशि से 12वें स्थान में, तो 12वें स्थान में जब सूर्य चलेंगे तो आपको हेल्थ का विशेष केयर करना है, खास करके आंखों की विशेष केयर करें। रिलेशन विद फादर, पिता के साथ संबंध, यदि कोई गवर्नमेंट कार्य है तो गवर्नमेंट कार्य में विशेष केयर करें। रिलेशन विद गवर्नमेंट एंड खुद का भी ओवरऑल हेल्थ कंट्रोल करना जरूरी है, केयर करना जरूरी है। और व्हाट्स अबाउट बिजनेस, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र चल रहे हैं राशि से 10वें स्थान में, तो कारोबार आपका अच्छा रहेगा इस मंथ के दौरान। एंड व्हाट अबाउट लव मैटर्स, लव मैटर में माइनर डिसअपॉइंटमेंट रहेगी क्योंकि जो सूर्य 11वें स्थान में चल रहे हैं 14 अप्रैल तक और सामने मंगल चल रहे हैं 5वें स्थान में, तो मित्रों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टेंशन क्रिएट ना हो जाए उसका केयर करना है। और लव मैटर में माइनर डिसअपॉइंटमेंट, सामान्यतः निराशा रहेगी। खास करके आपको डेट्स केयर करना है इस मंथ के दौरान, वो इस प्रकार है। 1 और 2 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में, राशि से 12वें स्थान के चंद्र में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और डेट्स आपको केयर करना है 20 और 21 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे धन राशि में, धन के चंद्र जो है वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र है, अष्टम चंद्र में भी आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अनजाने पानी से सावधान रहें, वाहन चलाने में विशेष केयर करें और आंखों की विशेष केयर करें और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करें। यदि आपके कोई मित्र हैं वृषभ राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।